हल्की सी चूक और सड़क पर दौड़ती गाड़ी बेकाबू होकर कब आपके लिए जानलेवा बन जाए कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही वाक्या मगध आयुक्त के सचिव की गाड़ी के साथ हुआ। जहानाबाद के मई हॉल्ट के पास NH-83 के किनारे अनियंत्रित होकर मगध आयुक्त के सचिव की गाड़ी गड्ढे में पलट गई। इस घटना में सचिव सुशील कुमार और उनके निजी ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया गया है। घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मगध प्रमंडल आयुक्त के सचिव गया से पटना की ओर जा रहे थे, तभी अचानक मई हॉल्ट के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों का अनुमान है कि ड्राइवर को झपकी आ गई होगी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। इस हादसे में सचिव और उनका ड्राइवर दोनों घायल हो गए। घटना की सूचना देने के बाद भी लोगों का कहना है कि काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं आई, जिसके बाद स्थानीय ढाबा संचालक ने अपने निजी वाहन से दोनों घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम काफी देर से पहुंची। घटना की जानकारी मिलने पर सदर अस्पताल में SDO विकास कुमार पहुंचे और उन्हें उपचार मुहैया कराए जाने की पूरी जानकारी ली। घायलों का हाल जाना और जानकारी देते हुए कहा कि घायल ड्राइवर और मगध आयुक्त के सचिव को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर की निगरानी में पटना PMCH भेज दिया गया है। जहानाबाद न्यूज़ के लिए मुकेश की रिपोर्ट। सूचना मिली कि आयुक्त महोदय के जो सचिव हैं गया प्रमंडल के, उनकी दुर्घटना हुई है मई हॉल्ट के पास। दुर्घटना चूंकि मेजर है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी थोड़े एडवर्स हैं, लेकिन अभी डॉक्टर साहब से बात हुई और अंदर जो स्टाफ हैं उन्होंने काफ़ी तत्परता से ऐसे सारा जो उनका ड्रेसिंग वगैरह है और सब कर दिया गया है और यहाँ से रेफर किया गया है पटना PMCH। इनके द्वारा जो प्राइमरी जो मेडिसिन एडमिनिस्टर करना है वो किया गया है और ऐसा लग रहा है कि वो सुरक्षित है, खतरे से बाहर है, परंतु हेड इंजरी है तो उचित इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम लोग पटना तुरंत भेज रहे हैं और एम्बुलेंस में वो उनको शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ पटना भी हम लोग बात करेंगे और सब कुछ लाइनअप है, होपफुली सब ठीक हो जाएगा। उनका नाम क्या है? साथ में ड्राइवर साहब हैं उनको माइनर इंजरी है और जो सचिव महोदय हैं उनको मेजर इंजरी है। हाथ उनका मतलब फ्रैक्चर हुआ है ज़्यादा और हेड इंजरी है, ब्लीडिंग काफ़ी है, परंतु डॉक्टर्स ने अच्छा तुरंत रिस्पॉन्ड किया और जो ट्रीटमेंट उनको प्राइमरी शुरुआती में मिलनी चाहिए वो दी गई है। अभी हम लोग सदर हॉस्पिटल में ही हैं, सब कुछ यहाँ से करा के ही हम लोग जाएंगे यहाँ से। घटना रोड एक्सीडेंट है वो तो हम कंफर्म नहीं कह सकते अभी। अभी गाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है वो वहीं पे है तो यहाँ के बाद हम लोग वहाँ जाएंगे और सिचुएशन को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। सचिव का नाम क्या है? सुशील सर, हम लोग सुशील कुमार या सुशील सर हम लोग बताते हैं। ड्राइवर का भी नाम पता है? हाँ, ड्राइवर साहब को उनको ज़्यादा इंजरी नहीं है थैंकफुली, लेकिन दोनों को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं पटना PMCH। गया तरफ से आ रही थी गाड़ी लेके, हाँ नींद में आके वो डिसबैलेंस हो गया। अच्छा। गाड़ी आके गड्ढा में गिर गई। हाँ। तो दो आदमी का घायल हो गया और एक का ये हाथ का कुल्ला निकल गया है। अच्छा। किनकी गाड़ी थी? मगध प्रमंडल के आयुक्त सचिव है। आयुक्त सचिव है तो क्या स्थिति है अभी? अभी तो हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, तो एम्बुलेंस वगैरह आया था? नहीं, एम्बुलेंस को एक घंटा से फोन किया जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो क्या लगता है कैसे घटना, कि तेज रफ्तार में था या क्या था? ड्राइवर नींद में था। हाँ, नींद आ गया। हाँ, खुद स्वीकार किया कि गाड़ी के। अच्छा, गाड़ी को क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार नाम। यहाँ पर सर आ रहा था गया तरफ से, तो यहाँ माई हॉल के बीच में एक्सीडेंट भारी हुआ है नींद के कारण, दो लोग घायल हैं और यही गया है अपने पप्पू ढाबा। अपना गाड़ी से एम्बुलेंस और अथी नहीं आया, फोन प्रशासन भी नहीं आया फोन करला पर ये सब, तो अपना गाड़ी से इनको ले गए हॉस्पिटल। अच्छा, क्या हालत है इनके? हालत दोनों का ठीक है अभी सर, लेकिन माथा उधर फट गया है, एगो के हाथ भी कवर गया सचिव। अच्छा, किनकी गाड़ी थी? गाड़ी इनका अपना है सर।
सचिव जो हैं, कमिश्नर के सचिव हैं, कमिश्नर के सचिव हैं।